सकते हैं, उसी तरीके से अपने समर्थकों, अपनी जनता और सूचितों के बीच जनसभा के बाद आए हैं, 3 सीट में यहाँ कलेक्ट्रेट में दाखिल किया। अगर देखा जाए तो राजीव राय दावा कर रहे हैं कि मैं 3 लाख से ऊपर वोटों से जीतूंगा, तो आप क्या क्या होगा? ये तो कुछ अतिशयोक्ति आपको भी लगनी चाहिए कि चुनाव अभी हुआ नहीं, मतदान हुआ नहीं, 3 लाख 4 लाख से कोई चुनाव जीत रहा है, तो ये तो बड़बोलापन है। राजू राय आरोप लगाते रहे हैं कि ये कभी घोसी लोकसभा में दिखाई नहीं देते, केवल चुनाव के समय दिखाई देते। पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, घोसी में न वो दिखाई देते हैं, ये तो पार्टी का संगठन चलाते हैं, वो दिखाई भी देते रहे। तो 4 जून किसके नाम था? 4 जून किसके नाम था? 4 जून तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नाम है, देश इसको महसूस कर रहा है, घोसी भी इस बात बताए हैं कि उसी गठबंधन में सीट जाएगी। तो क्या इस पे भाजपा एनडीए के प्रत्याशी जीत कर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे? जीतेंगे निश्चित, ऐतिहासिक जीत तो जो सर्वाधिक कर लेता है उसका होता है, तो पूरे प्रदेश में कंपटीशन होगी। जो एनडीए के घोसी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में है, उनका आज नामांकन था, उसमें प्रस्तावक रूप में उपस्थिति हमारी थी। माहौल है घोसी लोकसभा? घोसी लोकसभा जय घोष के साथ हम लोग 4 जून को विजय प्राप्त करेंगे और मोदी जी की जो सपना है 400 पार और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, उसमें घोसी का योगदान, डॉक्टर अरविंद राजभर जी का योगदान रहेगा। अगर विपक्ष को देखा जाए, राजीव राय बार बार कह रहे हैं कि ये जब चुनाव आता है तभी लोग आते हैं, चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं देता है, कोविड काल से लेकर के जब मैं 2014 से लेकर के अब तक मैं मैदान में रहा और ये लोग बाहर रहे। तो अब तो देखिए जनता जनार्दन ही परिणाम देती है, और आपने वो जो राजू राय जी ने हैं वो लड़े भी हैं, तो जनता ने जनादेश नहीं दिया, अगर वो रहते तो जनादेश देती। अब तो विपक्ष कभी पक्ष में बात करेगा नहीं, वो गलत ही बयानबाजी करेगा। राजू राय का कहना है कि मैं 10 साल जनता की, मैं घोसी लोकसभा की जनता की मैं सेवा किया हूँ, जनता मुझे ऐतिहासिक वोटों से जिताने के लिए जा रही है। ठीक है, सपा बसपा गठबंधन में भी लड़े थे, क्या स्थिति हुई थी, तो जनता निर्णय देगी। और मोदी जी योगी जी का जो विकास कार्य है, सुशासन है, और खासतौर से मऊ की बात किया जाए तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश में एक माफिया गुंडा से परिचित था मऊ, आज वो समाप्त हो गया, हर कोई खुशहाली से जी रहा है, किसी को किसी से कोई डर नहीं है। तो आज योगी जी और मोदी जी के फेस पे यह चुनाव है, और अरविंद राजभर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं एनडीए के, पढ़े लिखे और काफी तेज तरार युवा प्रत्याशी हैं, तो जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। 1 जून को छड़ी पे लोग मतदान करेंगे। आप लोगों की लड़ाई किससे है, सपा से कि बसपा? वही देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो हमारे प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, वो लड़ रहे हैं, मोदी जी योगी जी का जो विकास कार्य है उसको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, जनता 1 जून को जनादेश देगी, 4 जून को परिणाम आएगा, रिजल्ट सामने है। 4 जून किसके नाम? 4 जून किसके नाम? मोदी जी का। बिल्कुल बिल्कुल जी ने जितना महिलाओं के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए किया है, गरीबों के लिए तो मसीहा, गरीबों के लिए बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, छत है, भोजन है, सब कुछ किया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या प्रत्याशी के लिए वोट मांगते समय लोगों का ये भी सामना करना पड़ रहा है क्या कि दादा सिंह चौहान जब चुनाव लड़े थे तो स्थानीय बाहरी का मुद्दा रहा या फिर पार्टी को बार बार बदलने का मुद्दा रहा, इस तरह की बातें आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दारा सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं वो पार्टी से थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया था सपा का, लेकिन अभी तो पार्टी में है और ऐसा कोई भी समस्या नहीं आ रहा है, हम लोग चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं तो, क्योंकि सब लोग एक साथ। कितना कठिन है कमल के वोटर को छड़ी पर दिलवाना? बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये जो प्रत्याशी घोषित हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, तो किसी को भी कोई कहीं से भी कठिनाइयां नहीं आ रही है, सबको पता है कि हमें छड़ी पे ही हम लोग को वोट देना है। क्या लग रहा है कितना माहौल बन रहा है प्रत्याशी का?
100% चुनाव जीत रहे हैं। ग्राउंड में जाते हैं तो आप लोगों को ये भी सुनने को मिलता होगा कि ये गाली देते थे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो अपना सबका स्वभाव है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाकी अभी हमसे कल मुलाकात हुई थी, हमारे आवास पे भी कार्यक्रम रखा गया था, बहुत अच्छे से मिले उन्होंने और आश्वासन भी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और चुनाव तो 100% जीतना है। 100% हम लोग को चुनाव जीतना है, 100%, ठीक है।